हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो किसानों की हर शंका का समाधान किया जाएगा, ये कृषि मंत्री का साफ तौर पर कहना था। उनका यह भी कहना था कि आंदोलन छोड़कर चर्चा करें किसान, और एमएसपी को लेकर यह कहा गया कि एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, आज की बैठक के बाद मीडिया के सामने आए, तमाम सवालों को उन्होंने जवाब दिए हैं। और एक जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, कृषि मंत्री का ये कहना एमएसपी को लेकर कि किसी तरह की शंका कोई ना करें, एमएसपी जारी थी, है और रहेगी, ये जोर देते हुए कहा कृषि मंत्री ने। यही नहीं, उनका यह भी कहना था चूंकि ठंड का मौसम है तो जो किसान है वो आंदोलन का रास्ता छोड़ें, चर्चा की मेज पर आए, बातचीत करें, जो बुजुर्ग हैं वो घर चले जाएं, इससे दिल्ली वालों को भी दिक्कत नहीं होगी और जो आंदोलनकारी हैं उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी। शंका है तो सरकार समाधान के लिए पूरी तरीके से तैयार, ये कहना नरेंद्र सिंह तोमर का, कृषि मंत्री का। अब से थोड़ी देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर तमाम काबीना मंत्री मौजूद थे, जिसमें आपने सुना कृषि मंत्री ने साफ तौर पर एमएसपी को लेकर यह कहा कि एमएसपी जारी थी, है और रहेगी, किसी तरह की कोई शंका ना रखें। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से अब हां या ना में जवाब मांगा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 7 तारीख को दरअसल प्रपोजल उन्हें सरकार देगी, उस पर फिर वो मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और 9 तारीख को अगली बैठक है। तो बड़ा सवाल यह कि क्या 9 तारीख को जो अगली बैठक होगी उसमें यह गतिरोध दूर हो पाएगा या फिर इसी तरीके के हालात बने रहेंगे। आज की बैठक में बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं दिख रहा है, सिर्फ इसके कि अगली बैठक की तारीख तय हो गई है। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः यह बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतजार करेंगे, 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे, सबकी सहमति से तारीख तय की गई है। आज किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई, हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। ये तो कृषि मंत्री को आपने सुना, अब आप किसान नेताओं को सुनिए जो सिर्फ हां या ना में जवाब चाह रहे हैं। देखिए, सरकार इसी बात पर जोर लगा रही थी कि तुम जो संशोधन करने वाले कानून है, तीनों कानूनों में जो संशोधन चाहते हो वो बताओ। हमने कहा कि हमने तुम्हारे को बता दिया, हम संशोधन चाहते नहीं, जो बिल्कुल किसानों के हित में ही नहीं है तो हम इसमें संशोधन क्या। अब इसमें से सब कुछ निकालते हुए और जैसे किसी भी मतलब के चीज में कलबूत में कोई चीज डाल दो
जैसे हम गेहूं है, लकड़ी लोहे के ड्रम होते हैं, उनमें से सारी की सर कानी गेहूं निकाल लो, खाली ढोल रह जाएगा, तो ढोल को रख लो, क्या फायदा उस ढोल को रखने का भी। तो भाई यह हम संशोधन नहीं चाहते, हम इनको बिल्कुल रद्द कराना चाहते हैं, MSP पूरे देश में चाहते हैं, और बिजली संशोधन बिल जो ला रहे हैं उसको भी खत्म करो, और जो प्रदूषण है उसके यस और नो का क्या मतलब है, आपने क्या लिखा? अरे वो बार बार यही बात कर रहे थे, हमने उनको कह दिया कि हम बार बार आपसे चर्चा करने, अब चर्चा हो चुकी है, बार बार चर्चा नहीं, हमें ये ना डो, हमने फिर चुप कर गए और लिख के लगा दिया कि यस या नो, हाँ या ना, दसो जड़े कानून ने रद्द कर दियो या नहीं, MSP पूरे देश लागू कर दियो कि नहीं, बिजली शोध बिल लागू खत्म कर दियो कि नहीं, और जड़ा प्रदूषण वालों कर दियो कि नहीं, हाँ या ना। तो किसान नेताओं का साफ तौर पर यह कहना कि अब और अधिक चर्चा नहीं, हाँ या ना में सरकार हमें जवाब दे।